Hey guys, this is Aryan Raj Singh. This is another video on my YouTube channel. I am a 3rd MBBS student at AIIMS and आज मैं आपसे बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है कि कितने घंटे पढ़ाई करें। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है, इतने ढेर सारे लोग पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। वो आप अगर भले नीट 2022 के एस्पिरेंट हो, 2021 के एस्पिरेंट हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस वीडियो के एंड तक देखोगे, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। और थोड़े ऑनेस्ट टॉक करेंगे इसमें, थोड़ी नो साइड टॉक्स, ठीक है? कोई बकवास उकवास नहीं करने वाले हैं इसमें। सीधा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपका दिमाग खोलना बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जो ड्रॉपर वगैरह भी है, जो इस साल नीट 2020 देने वाले हैं या फिर 12th पास आउट जो स्टूडेंट बोर्ड दे के 2020 देने वाले हैं ना, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना। पहली बात ये बताओ यार, घर पे कितना काम कर रहे हो यार? ठेले पे कितनी सब्जी बेच रहे हो भाई? अगर स्टूडेंट हो तो क्या काम है तुम्हारे पास? ठेले पे सब्जी बेचना है क्या तुम्हें? या फिर घर में टॉयलेट साफ करनी है तुम्हें? या घर में बर्तन मांजने हैं, झाड़ू पोछा लगाना है? बताओ क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो ऐसा? नहीं ना भाई। तुम्हारा भाई एकेडमिक फील्ड में हो अगर तुम सोच रहे हो, देखो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको एथलीट बनना है, म्यूजिशियन बनना है, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो एजुकेशन फील्ड में आप हो, अगर वीडियो देख रहे हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो एक्सेल करने का एजुकेशन फील्ड में, अच्छे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आप अपने ऑनर्स के कॉलेज अगर आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, हाँ, तो आपको यार एकेडमिक फील्ड में करियर बनाने में इंटरेस्ट है, ठीक? तो भाई ये याद रख लो, तुम्हारा अभी कुछ काम नहीं है। तुम्हारा सिर्फ काम क्या है? पढ़ाई करना। तो पढ़ाई कर लो ना जितना हो सके। इसमें मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि कितना घंटे भैया पढ़ाई करूं? अच्छा ये बताओ, अगर मेसी है, रोनाल्डो है, ठीक है, उनका फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है, ठीक है, विराट कोहली का वर्ल्ड कप आने वाला है, उसेन बोल्ट का ओलंपिक्स आने वाला है, 2 महीने बच गया उनको। तो 2 महीने पहले जाके उनका कोच अगर बोलेगा ना, विराट भाई सिर्फ यार 6 घंटे नेट प्रैक्टिस कर भाई, तू सेंचुरी मार के आएगा, तो क्या वो सुन लेगा? नहीं भाई। विराट कोहली के दिमाग में पागलपंती है कि नहीं भाई मेरे को करना ही करना है, इतना जुनून जज्बा है, किसी की नहीं सुनेगा। वो तब तक नेट प्रैक्टिस करेगा जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो, जब तक उसके शॉट्स इंप्रूव ना हो जाए, समझ रहे हो? तब तक वो नेट प्रैक्टिस करता रहेगा। उसेन बोल्ट तब तक रनिंग सेशंस अपना कंडक्ट करता रहेगा जब तक उसकी स्पीड एकदम पीक पे ना पहुंच जाए, समझ रहे हो? ये सबके साथ होता है। अमिताभ बच्चन जी जब फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाले थे तो ये नहीं देखते थे यार मैं 8 घंटे ही एक्टिंग की प्रैक्टिस करूंगा, पूरे समय लगे रहते थे। दिमाग में वो था उनके जहन में बसा हुआ था, और आपके जहन में नहीं है ये सारी बातें। आपके जहन में तो ये बातें हैं कि यार मेरे को बता दो कितने घंटे पढ़ूंगा तो मैं एम्स दिल्ली पहुंच जाऊंगा। भाई जो मैं बताऊं, जितने टॉपर्स मेरे कांटेक्ट में है ना अभी आलिया आकाश के, और जो मेरे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बैंक में फोड़ के मेहनत कर रहे हैं, 670-80 नंबर ला रहे हो, उतने मेरे को नहीं लग रहे आपके आ रहे होंगे। वो भी नहीं रुक रहे हैं। उनको मैं बोल दूं ना 3 घंटा बेटा पढ़ो फिर भी सिलेक्शन हो जाए, नहीं रुकेंगे। उनको नहीं फर्क पड़ता आर्यन भैया क्या कहें, मेरे को क्या भाई। मैं तो बोल दूंगा यार तू 6 घंटे पढ़ ले, 12 घंटे पढ़ ले, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। मैं 6 घंटे बोलूं फिर भी वो 12 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे बोलूं फिर भी वो 16 घंटे पढ़ेंगे। जिनको जितना पढ़ना वो पढ़ेंगे। वो देखते हैं कि वो अपने गोल से कितना दूर है, और जितना दूर रहते हैं उतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, गोल के जितना पास रहते हैं फिर भी उतनी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। वो लिमिटलेस लोग होते हैं, अपने को बाउंड करके नहीं रखते हैं। बुरा लग रहा है तो प्लीज चले जाओ चैनल से, अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। पर यार अगर रियल भाई की तरह मान रहे हो ना तो सच्ची एडवाइस दे रहा हूँ, ये पूछना बंद कर दो मेरे से कि कितना घंटे पढ़ाई करें, क्या करें। अगर पूछ रहे हो ना कि कितना घंटा मैं पढ़ाई करूं तो मैं एम्स दिल्ली पहुंच जाऊंगा या फिर फॉर दैट मैटर टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द कंट्री पहुंच जाऊंगा, तो तुम अपने सपनों को ना ये घंटों में तौल रहे हो कि भाई इतना घंटा तो तराजू में इतना मिलेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। जब 16 लाख स्टूडेंट के साथ कंपीट करोगे ना, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है भाई, कट थ्रोट माइंडेड, तो उसमें तुम्हारा कोई ये नहीं देखेगा भाई इसको आर्यन भैया ने एडवाइस किया था 6 घंटे पढ़ो, तो इसमें थोड़ा रहम करते हैं, इसको थोड़ा ना ऊपर की सीट दे देते हैं। बकबे, कौन देगा तेरे को सीट भाई? 16 घंटे 14 घंटे पढ़ने वाले लोग पढ़े हैं। मैं अपने समय जैसा रिक्वायरमेंट रहता था ना उसके हिसाब से पढ़ता था, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता था भाई, मिनिमम तो पढ़ना ही पढ़ना रहता था। पर दिमाग में जब दो महीने बच गए रहते हो ना पेपर से, तो दिमाग एकदम उड़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई दिख रही होती है। खाना पीना सब बाहर में जाए, पढ़ाई करनी ही तो करनी है, पहले पढ़ाई करूंगा फिर खाना खाऊंगा, ऐसा हाल रहता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ सोने के अलावा, सांस लेने के अलावा, खाने के अलावा, पीने के अलावा जितना समय पढ़ाई में जाना चाहिए। ये सिंपल सा फंडा होता है एंड में। वो पागलपंती जरूरी होती है भाई कुछ अचीव करने के लिए। जब 16 लाख स्टूडेंट्स पीछे पड़े हो ना और रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है, तब ये बहुत जरूरी है। एक IAS एस्पिरेंट जो क्वालिफाई करता है ना, IAS एस्पिरेंट भी क्वालिफाई करता है, तो वो ये नहीं देख रहा होता उस समय प्रिपरेशन के समय कि भाई मैं तो 12 घंटे ही पढ़ूंगा सिर्फ। भाई लगा रहता है, जितना समय रहता है वो सब डाल रहा होता है। और ये बताओ कौन सा मैंने पहले अगर कह दिया तुम्हें 14 घंटे पढ़ो तो तुमने पढ़ाई कर ली? कि आप पूछ रहे हो मेरे से और अभी भी पढ़ाई कर लोगे अगर मैं 14 घंटे बोलूँ? नहीं किया ना ये चीज, बताओ। भाई इतना छोटा हिम्मत रखो भाई, थोड़ा लिमिटलेस हो जाओ। और कई लोग पूछ रहे हैं कि कितना क्वेश्चन लगाएं भैया, कितना क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाएं, कितने टेस्ट अटेम्प्ट करें। अरे भाई कोई लिमिट नहीं है, जब तक तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग ना हो जाए ना तब तक क्वेश्चन लगाओ क्वेश्चन बैंक से। सारा जो डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन बैंक का, कई पूछ रहे हैं कैसे परचेज करना, सब नीचे दे रखा है, एक बार खोल के तो देखो। इतना आलस क्या कर रहे हो, सारे फीचर्स दे रखे हैं, समझ रहे हो? तो यार थोड़ा दिमाग की बत्ती खोल लो। मैं तो बोल रहा हूँ जितना पढ़ाई कर सकते हो कर लो। एम्स दिल्ली पहुंचना है हलवा चीज नहीं है। 20 साल से अपनी रेपुटेशन मेंटेन किया हुआ है और टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस भी अपने 20-25 साल से टॉप 10 रैंकिंग में है। वहां का जो रिस्पेक्ट होता है ना, जो प्राइड होता है वहां पर पहुंचने का ना, वो उसके सामने तुम 20 घंटे भी पढ़ लो ना तो तुम्हें कम लगेगा। तो ये सब दिमाग में रखना। और बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, पर थोड़ा दिमाग खोल के चलो यार, ठीक है? बेवकूफ मत बनो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अपने आप को लिमिट करके रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक? तो जितना पढ़ सकते हो पढ़ाई कर लो। और एक चीज याद और रखना यार, अगर तुम्हारा बोर्ड्स एग्जाम के एक दिन पहले का दिन होता तो क्या उस दिन मैं बोलता अरे भाई 6 घंटा पढ़ ले, बोर्ड्स में 95% आ जाएंगे? नहीं रुकोगे तुम, उस दिन भी बहुत पढ़ोगे। क्योंकि उस दिन तुम्हारे लिए सबसे प्रायोरिटी वाली चीज क्या है कि बोर्ड्स के एग्जाम में जाके फोड़ना। नीट के एग्जाम के 1 हफ्ते बचेंगे ना, बहुत सब पढ़ना शुरू करेंगे किताब खोल के, ठीक है? क्योंकि वो 1 हफ्ता आपको बहुत क्रूशियल लिख रहा होगा। नीट आपके लिए लाइफ और डेथ का सवाल हो जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पर अभी क्यों? अभी तो यार कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है, तुम्हारा वो गोल ही नहीं है कि अच्छा कॉलेज लाना। बस बोलने के लिए आपको है कि नहीं मेरे को एम्स दिल्ली पहुंचना है, मेरे को मौलाना आजाद पहुंचना है, बस ये सब बोलने के लिए है। अंदर से आप फील ही नहीं करते हो। अंदर से फील कर रहे होते ना तो आप आज का भी दिन वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे आप एग्जाम से एक दिन पहले ट्रीट करते हो, समझ रहे हो बात? सो ऑल द बेस्ट गाइस की हसलिंग। आज थोड़ा दिमाग की बत्ती आपकी जलाना बहुत जरूरी थी। किसी पेरेंट ने ये देखा है तो प्लीज पेरेंट्स ऑफेंड मत होइए। अपने अपने बच्चों को ये जरूर दिखा दीजिए, उनकी थोड़ा दिमाग खुल जाएगा कि अगर एजुकेशन फील्ड में आना है, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है ना, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो प्लीज भाई मेहनत कर लो, नहीं तो अपना स्ट्रीम चेंज कर लो, सिंपल सी बात। ऑल द बेस्ट।